व्हील्स एंड माइने मिला निकले। आज हम देखने जा रहे हैं Hyundai की न्यू वेन्यू, इसका हम एक डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू करने वाले हैं। ये जो गाड़ी है Hyundai की i20 और Hyundai की क्रेटा, इन दोनों के बीच में आती है। इसका प्राइस रेंज लगभग दोनों के बीच में आता है और इसमें जो इंजन यूज किया गया है वो भी i20 से सिमिलर है। i20 का ही इंजन आप कह सकते हैं इसमें यूज किया गया है और थर्ड इंजन एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है साथ में। सो इसमें फर्स्ट सेगमेंट काफी सारे फीचर्स आते हैं, गाड़ी दिखने में काफी अट्रैक्टिव है। सो इसका पूरा इन्फॉर्मेशन एक वॉकअराउंड रिव्यू में आपको देना चाहता हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिए सारे फीचर्स जानने के लिए, गाड़ी कैसी है, गाड़ी का प्राइस क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल क्रेजी फॉर व्हील्स एंड लेट्स गो डाइव इनटू द वीडियो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं RR क्रेटा Hyundai जो कि पुणे सोलापुर हाईवे में है। आप यहाँ पे आके इंक्वायरी कर सकते हैं गाड़ी के बारे में। सो ये है हमारे सामने Hyundai की न्यू वेन्यू, इसका हम टॉप मॉडल देख रहे हैं डीजल SX ऑप्शनल। ये रही इसकी की, सो की भी काफ़ी प्रीमियम है। लॉक अनलॉक, बूट ओपनर और अलार्म के साथ आते हैं इतने सारे फंक्शंस। कीलेस एंट्री के साथ आते हैं गाड़ी, सो अगेन दैट्स अ गुड पॉइंट। सो दोनों आपको रिमोट कीज मिल जाती है इसमें। गाड़ी का फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है मुझे। सो इसके जो हेडलैम्प्स है वो बीच में दिए गए हैं, नीचे फॉग लैम्प्स है और ऊपर इंडिकेटर्स दिए गए हैं। तो राउंड पूरे हेडलैम्प के बाजू में DRLs मिलते हैं आपको, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, साथ ही कॉर्नरिंग लैम्प भी मिलता है इसमें। और नीचे प्रोजेक्टर फॉग लैम्प मिलते हैं और साइड में जो पॉकेट दिख रहा है वो एयर कर्टन बनाया है उन्होंने, जिससे कि टायर पर हवा जाती है और टायर कूल रहने में मदद होती है। सो फ्रंट का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा, ग्रिल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मिलता है आपको, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सो डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है फ्रंट से। नीचे आपको स्कीड पेड मिलती है जो कि एक SUV फील देती है गाड़ी को। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ये गाड़ी आती है, ब्रेजा से कॉम्पीट करती है। टाटा नेक्सॉन, फोर्ड इकोस्पोर्ट, ये भी इस पर कॉम्पिटिटर्स आते हैं। बोनेट भी काफ़ी अच्छा है, बोनेट पे लाइंस मिलती है आपको। सामने दो वाइपर्स और उसके वॉशर्स मिल जाते हैं। सो ये जो गाड़ी है, गाड़ी का इंजन मिलता है जो 1.4 लीटर U2C RDI इंजन आता है, 1396 cc का इंजन है इसमें, डीजल इंजन, और 89 PS का पावर जनरेट करता है 4000 RPM पे, और 220 Nm का टॉर्क देता है, लगभग 1500 से 2750 RPM तक देता है। सो काफ़ी अच्छा इंजन है इसमें डीजल में। और आप यहाँ पे अलॉयज़ का डिज़ाइन भी काफ़ी अट्रैक्टिव देख सकते हैं, 215/60 प्रोफाइल है और R16 के अलॉयज़ मिलते हैं। सो टायर्स भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, ब्रॉड टायर्स हैं, और ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी डिसेंट मिलता है आपको, पूरा SUV वाला फीलिंग आता है गाड़ी में। सो ग्राउंड क्लियरेंस का कुछ भी इशू नहीं है यहाँ पे, क्लैडिंग के साथ मिलता है आपको। सो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब आप ख़राब सड़कों पे इसको चलाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, स्पीड ब्रेकर्स पे भी गाड़ी नीचे टच नहीं होगी। जो लोग गाड़ी परचेस कर चुके हैं वो लोग अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं गाड़ी कैसी है। इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है वो लगभग 45 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और क्लेम माइलेज 23.7 KMPL का माइलेज बताया गया है, तो लगभग सिटी में 15 के ऊपर तो देना ही चाहिए। तो पीछे आपको वॉशर और वाइपर मिलता है, साथ ही साथ डिफॉगर भी मिलता है आपको फ्रंट और रियर दोनों के लिए। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स है गाड़ी में, फीचर पैक्ड गाड़ी है। और गाड़ी का जो प्राइस है वो है लगभग 10.84 लाख एक शोरूम ऑप्शनल मॉडल का, और ऑन रोड इसका प्राइस लगभग 13.36 लाख तक जाता है। तो पेट्रोल में भी गाड़ी अवेलेबल है, 1 लीटर टर्बो इंजन आता है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे कैमरा मिलता है आपको, रियर कैमरा, और पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं इसमें। तो रियर में भी आपको स्किड प्लेट दिए गए हैं नीचे, तो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। नीचे आपको हुक मिलता है, सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा गया है, मैकपर्सन स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग वाला सस्पेंशन फ्रंट में मिलता है, और रियर में कपल टॉर्शन बीम एक्सल विद द कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है आपको। रियर का डिज़ाइन भी सिंपल है, इतना फ्लैशी नहीं है। तो कीलेस एंट्री के साथ आती है, तो ये बटन प्रेस करते ही गाड़ी अनलॉक हो जाती है। सो गाड़ी में आपको देख सकते हैं यहाँ पे बटन्स काफ़ी अच्छे प्रीमियम लगते हैं, क्वालिटी अच्छी है। ऑल फोर पावर विंडोज के साथ आती है गाड़ी, और नीचे आपको बॉटल होल्डर मिलता है। 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स के साथ म्यूजिक सिस्टम आता है गाड़ी का। तो आप केबिन का लुक देख सकते हैं यहाँ से, टोटल ब्लैक इंटीरियर दिया गया है इसमें। सो यहाँ पे सीट हाइट एडजस्ट, साथ ही साथ रिक्लाइन का एडजस्ट भी दिया गया है, और यहाँ पे आपका फ्यूल लीड ओपनर है। नीचे आपको बूट
सॉरी इट्स नॉट बूट, ये आपका बॉनेट ओपन करने के लिए है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, तो जो जो फीचर्स आपको एक्सपेक्टेड है वो आपको सारे मिल जाते हैं इसमें। सो डोर क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल देख सकते हैं, और यहाँ पे की रखने के लिए स्पेस दिया गया है, आप अपना रिमोट यहाँ पे रख सकते हैं। 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है टॉप मॉडल। यहाँ पे आपको बाकी के कंट्रोल्स भी मिलते हैं सारे, क्रूज कंट्रोल भी है इसमें अवेलेबल। यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का ऑप्शन मिल जाता है आपको, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं दिया है इसमें। तो एसी वेंट्स के साथ क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है आपको सिल्वर फिनिश में। यहाँ पे हील होल्ड के कंट्रोल्स भी आपको मिल जाते हैं। सो ये फर्स्ट इन सेगमेंट लगते हैं मुझे, काफ़ी अच्छे फीचर्स है इसमें। तो बटन प्रेस करते ही आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह वो चालू होता है, और ब्रेक पेडल प्रेस करने के बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, लेफ्ट साइड पे आपको आरपीएम मीटर मिलता है, राइट साइड पे स्पीडोमीटर मिलता है, बीच में एमआईडी। सो इसका केबिन जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा लगता है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसका टच स्क्रीन भी देख सकते हैं, 8 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है, काफ़ी अच्छा टच स्क्रीन है इसमें। और इसमें काफ़ी कनेक्टेड कार आती है, इसमें एक सिम कार्ड रहता है। तो Hyundai का जो ब्लू लिंक ऐप है उसके द्वारा आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आप गाड़ी का एसी ऑन कर सकते हैं, गाड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये आप अपने मोबाइल के ऐप के थ्रू कर सकते हैं। सो काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे रियर व्यू मिरर पे भी आपको बटन्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको इमरजेंसी में कुछ हेल्प चाहिए, कंपनी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है, वो ये बटन दबाते ही आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वो कंपनी के कॉल सेंटर में आपको कॉल लगा के देती है गाड़ी डायरेक्टली। सो ऑटो डिमिंग का फीचर नहीं है, मैनुअल डिमिंग के साथ आती है रियर व्यू मिरर। आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड मिरर नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको माइक मिलता है कॉल्स के लिए, और को पैसेंजर साइड के लिए आपको लाइट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ओनली वैनिटी मिरर मिलता है। लेकिन जो इसका प्लस पॉइंट है वो इसका सनरूफ है, इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ आती है ये गाड़ी, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और वन टच फंक्शन के साथ आती है। सो उसके लिए गाड़ी आपको पहले ऑन करनी होगी, तो ये गाड़ी ऑन कर दी मैंने। इसका एसी भी चालू है, बंद कर देता हूँ। ऑटोमेटिक एसी के साथ आती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें। सो ये अगेन इसका प्रीमियम फीचर है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्रंट और रियर दोनों में डिफॉगर दिए गए हैं। सो आपको सनरूफ खोलने के लिए वन टच प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है। सो ये काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट लगा मुझे। सो सनरूफ से काफ़ी गाड़ी को एयरी फीलिंग मिल जाता है, अंदर का केबिन काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट कंसोल आप देख सकते हैं यहाँ पे, बीच में आपको सारे वार्निंग लाइट्स वगैरह मिल जाते हैं। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल कंट्रोल करने के लिए, एमआईडी डिस्प्ले कंट्रोल करने के लिए आपको स्टेयरिंग पे ही उसके स्विच मिल जाता है, सो वहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, तो ये माइलेज आपको बता देता है, फ्यूल रेंज बता देता है, फ्यूल इकोनॉमी का एवरेज कितना है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस डिस्प्ले में मिल जाती है, स्पीड भी दिखा देता है, रेंज भी दिखा देता है। तो आप नीचे मैं अपनी सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, मैंने पीछे कर रखी थी सीट। तो आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाता है, ये आपको दिखाना भूल गया मैं। यहाँ पे आपके पास अगर वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन है तो आप यहाँ पे रख देंगे तो चार्जिंग चालू हो जाएगा। ये एक फिटमेंट है जो कि 12 वोल्ट के सॉकेट से पावर लेता है, फिर आपको फ़ोन को चार्जिंग कर देता है। सो SRS एयरबैग्स के साथ ये टॉप मॉडल में एक फीचर मिलता है आपको, 6 एयरबैग्स मिलते हैं इसमें। सो सेफ्टी के मामले में काफ़ी अच्छा है टॉप मॉडल, इसलिए टॉप मॉडल में रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी सेफ है। 6 एयरबैग्स के साथ आती है। सो ऑटोमेटिक AC, मैंने AC ऑफ कर दिया अभी। तो सीट्स भी काफ़ी अच्छी अच्छी है, यहाँ पे आपको एक एयर प्यूरीफायर भी मिलता है जो कि टॉप ऑर्डर में अवेलेबल है। तो इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया गया है, नीचे से कप होल्डर की जगह एक ले लेता है ये, यहाँ पे इसका कनेक्शन मिलता है और नीचे ले गए। सो ये एयर प्यूरीफायर का भी काम कर लेता है अंदर गाड़ी में। सो काफ़ी कूल फीचर्स मिलते हैं आपको इसमें।
खाली डीजल में ऑटोमेटिक हो जाता तो मज़ा आ जाता, ऑटोमेटिक अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो ये मिरर्स के कंट्रोल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑटो फोल्डिंग मिरर्स है इसमें, और मिरर के आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, तो फिर अब कॉमन फंक्शन हो गए हैं सब। यहाँ पे ऑटो स्लाइड डाउन एंड ऑटो स्लाइड अप फंक्शन के साथ आते हैं लोग ड्राइवर साइड में, और एंटी पिंच विंडो है इसमें, अगर आप हाथ रखेंगे तो बीच में प्रोटेक्शन के साथ आती है। तो यहाँ पे भी डोर हैंडल पे काफ़ी प्रीमियम फिनिश मिलती है आपको, बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं चारों डोर्स में। पीछे का कैबिन स्पेस आप देख सकते हैं, तो 5 सीटर गाड़ी है और एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आती है ये गाड़ी, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो सीट का कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्ट दिया गया है, काफ़ी अच्छा है, बैठने में आपको अच्छा लगता है इसमें। फ्रंट के सीट का भी आपको कंफर्ट अच्छा मिलेगा, साइड में अच्छे से कुशन किया गया है तो आपको सीट पकड़ के रखती है। नी रूम काफ़ी अच्छे दिए गए हैं इसमें, मैंने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है। तो यहाँ पर आपको हुक भी मिलता है। केबिन लैंप्स 2 दिए गए हैं इसमें, बीच में और आगे। तो पीछे से आप देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा लगता है, प्रीमियम फीलिंग देता है आपको, और बीच में आपको हैंडरेस्ट भी मिलता है, ये एडजस्टेबल हैंडरेस्ट है, तो इसमें आपको डीप स्पेस भी मिल जाती है बीच में। मैं पीछे कर लेता हूँ और फिर ओपन होता है, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, आप सामान रख सकते हैं इसमें। तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छी गाड़ी है। रियर एसी वेंट्स भी अवेलेबल है इसमें, ये काफ़ी प्लस पॉइंट है गाड़ी का, रियर में एसी वेंट्स होने चाहिए, खास करके इंडिया में वेदर काफ़ी हॉट रहता है तो एसी वेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी दिया गया है पीछे, स्पीकर्स और बॉटल होल्डर्स डोर्स में मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे एक हैंडरेस्ट है बीच में जो कप होल्डर्स के साथ आता है, अभी ये शायद ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने कवर लगा के रखा है, सो रहने देते वैसे ही। ये सीट 60-40 स्प्लिट के साथ अवेलेबल है, और इसके नीचे वाले जो वेरिएंट्स रहेंगे इसमें बेंच फोल्ड के साथ आती है सीट। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स है इसमें सेफ्टी के मामले में। तो गाड़ी अब देख सकते हैं हम पीछे आगे, बूट स्पेस देखेंगे इसका। इसका जो बूट स्पेस है वो लगभग 350 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है कंपनी की तरफ से, जो कि काफ़ी डिसेंट है। अगर आप ब्रेजा से कंपेयर करेंगे तो ब्रेजा का 328 लीटर का बूट स्पेस है, बट ब्रेजा का बूट भी काफ़ी प्रैक्टिकल है, आप ब्रेजा का वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे। बूट स्पेस में आपको लाइट मिलती है यहाँ पे, तो इसका भी बूट काफ़ी डिसेंट दिया गया है, आपको सामान रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डीप है थोड़ा। और जो टायर एक्स्ट्रा दिया गया है उसमें थोड़ा कॉस्ट कटिंग किया गया है, वो 15 इंच का टायर दिया गया है आपके यहाँ पे, देख सकते हैं 195/65 R15, सो 15 इंच का टायर दिया गया है, एक साइज छोटा, बट तो ये एक इमरजेंसी टायर है सो चलता है ठीक है। और पार्सल ट्री मिल जाता है आपको, फेरस ब्रेजा में ये भी फोल्डेबल है, देख सकते हैं आप 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, तो इससे आपका बूट स्पेस काफ़ी बढ़ जाता है, तो इसकी प्रैक्टिकलिटी भी बढ़ जाती है। बट ये सीट्स फ्लैट फोल्ड नहीं होती है, थोड़ा बीच में गैप रह जाता है। तो ओवरऑल गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसकी प्रैक्टिकलिटी भी है, अच्छे फीचर्स है इसमें। तो जो जो लोग गाड़ी यूज़ कर रहे हैं आप बता सकते हैं कि गाड़ी चलाने में कैसी है, सो दैट जिन लोगों को ये गाड़ी लेनी है, लेने की सोच रही है, तो उनको हेल्प हो जाएगी। तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए ये गाड़ी कैसी है। गाड़ी साथ ही साथ पेट्रोल इंजन में आती है, पेट्रोल इंजन भी काफ़ी इसका अच्छा दिया गया है, 1 लीटर का जो इंजन आता है वो, और 1. जो दूसरा 1.2 लीटर का जो इंजन है वो लगभग हुंडई के i20 में भी आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से इसका फिट एंड फिनिश कैसा है, रूफ रेल्स मिलते हैं, शार्क फिन एंटीना मिलता है, सारे फीचर्स मैंने कवर कर लीजिए। आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।